हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सेतु, पता नहीं लोग मुझ जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुधारी के होते हुए पत्थरों का सेतु क्यों बना देते हैं। यदि वह मुझसे याचना करें तो मैं उनके लिए जहां आवश्यकता होगी अपने बाणों से सेतु बना दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। श्री राम, श्री राम। पत्थरों का सेतु। हे मनुष्य, तुम हंस क्यों रहे हो? हंस रहा हूं पत्थरों से बने इस सेतु को देखकर। परंतु हे वानर, तुम कौन हो और इस पुराने सेतु के पास क्या कर रहे हो? मैं एक राम भक्त हूं और उन्हीं के नाम का जाप कर रहा था, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आया कि पत्थरों के सेतु को देखकर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। प्रभु श्री राम ने भी तो बनवाया था ऐसा सेतु सत्योजन समुद्र पर, इसीलिए तो हंस रहा हूं कि श्री राम जैसे श्रेष्ठ धनुधारी को पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु बनवाना चाहिए था। श्री राम एक श्रेष्ठ धनुधारी थे। हाँ, मेरे प्रभु सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। उन जैसा धनुर्धारी आज तक ना हुआ है और ना कभी होगा। हे वानर, तुम मेरा अपमान कर रहे हो, परंतु मैं तुम्हें क्षमा करता हूं क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान, दर्शन दो भगवान, केवल तिलक पर। मैं त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं कुंती पुत्र अर्जुन। धनुर्
विद्या मैंने द्रोणाचार्य से सीखी है। मेरे इस गांडीव से निकले तीरों ने बड़े बड़े वीरों को धरती पर नाक रगड़ने पर विवश किया है। हे वानर, यदि मैं प्रभु श्री राम की जगह होता तो पत्थरों से नहीं अपने बाणों से सेतु बनाता। यदि उस समय बाणों का सेतु बनाया जाता तो प्रभु श्री राम और उनकी सेना कभी लंका नहीं पहुंच पाती। क्यों क्यों नहीं पहुंच पाती? मुझसे भी बलवान और महाकाय वानर प्रभु श्री राम की सेना में थे, उनका भार बाणों का सेतु कैसे झेल सकता था? किसी भी वानर के पैर रखते ही बाणों का सेतु अवश्य टूट जाता। परंतु मेरे ये बाण इतने निर्बल नहीं है, मैंने स्वयं अपने बाणों का सेतु बनाया है और उसी पर दंदनाता हुआ यहां तक आया हूं। यह असंभव है, केवल मेरे जैसे वानर के बोझ से ही बाणों का सेतु टूट सकता है। हे कपि, तुम तो एक सामान्य वानर हो, तुम्हारा भार ही क्या? अच्छा, त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी क्या होता है इसका तुम्हें ज्ञान कहां होगा? यदि मैंने अपने बाणों का सेतु बनाया तो कोई भी उसे तोड़ नहीं सकेगा। यह तुम्हारा भ्रम है। कोई क्या, मेरा ही भार तुम्हारा सेतु सहार नहीं सकेगा, रेत की दीवार की भांति बैठ जाएगा। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? नहीं, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। ये तुम्हारा समझाना नहीं है, तुम्हारी चुनौती है और मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं अब बाणों का सेतु बनाता हूं। यदि तुम उस सेतु को तोड़ नहीं सके तो मैं आपका दास बन जाऊंगा, और यदि मैंने आपके बाणों का सेतु तोड़ दिया तो मुझे अपने आप को त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुधारी कहलवाने का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि आपका यही हट है तो बनाइए सेतु। बाणों का सेतु बना दिया है, अब दिखाओ इसे तोड़कर, वरना मेरा दास बनने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या अब भी तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी समझते हो? नहीं कभी श्रेष्ठ। मैं सर्वश्रेष्ठ तो क्या, सामान्य धनुर्धर कहलाने योग्य भी नहीं रहा। अपने बाणों के सेतु की दशा देखकर अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि भगवान श्री राम ने पत्थरों का सेतु क्यों बनवाया था। हे कभी, तुम जीत गए, मैं हार गया। हे कुंती पुत्र, बात हार जीत की नहीं बल्कि उस पाप की है जो तुमने किया है। को?
कौन सा पाप? वो पाप जो यदि अनजाने में भी हो जाए तो क्षमा योग्य नहीं है। क्षमा योग्य नहीं है? ये क्या कह रहे हो तुम? हे अर्जुन, तुमने अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी मानने से इनकार किया है और इस तरह तुमने उनका अपमान किया है। हे कुंती पुत्र, तुम नहीं जानते तुमने भगवान का अपमान किया है। ये मेरे हाथों कैसा पाप घड़ा है? मैंने अपने भगवान का ही अपमान कर दिया? मेरे घमंड और मेरे अहंकार ने मुझे कहीं का नहीं रखा, मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। और ये केवल इस धनुर्विद्या के कारण हुआ है। क्या कर रहे हो वीर? मैं अपने आप को अग्नि को समर्पित करने जा रहा हूं। परंतु यह उचित नहीं है। अब केवल यही उचित है। सुनो तो, हे अग्नि देवता, आज मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। हे प्रभु, मेरे समर्पण को स्वीकार कीजिए। रुक जा अर्जुन। केशव, तुम यहां? हां अर्जुन, मित्र जब संकट में हो तो दूसरे मित्र को उसे बचाने के लिए आना ही चाहिए। नहीं वासुदेव, मुझे बचाने की चेष्टा मत करो। मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं। नहीं पार्थ, मधुसूदन, मुझे अहंकार हो गया था कि मैं ही त्रिलोक का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूं। आज मेरे अहंकार को इस कपि श्रेष्ठ ने नष्ट कर दिया है। अहंकार नष्ट हो गया है इसलिए तुम आत्म स्वाहा करना चाहते हो? इसका अर्थ यह हुआ कि तुम अपने अहंकार के बिना जीना नहीं चाहते। अहंकार का नष्ट होना तो अच्छी बात है। अहंकार मनुष्य को वो बना देता है जो वो वास्तविकता में नहीं होता। अहंकार का मारा योद्धा अपनी क्षमता और योग्यता का गलत अनुमान लगाता है और इसीलिए वो युद्ध में मात खा जाता है। मधुसूदन, इस कपि श्रेष्ठ के हाथों मेरा अहंकार नष्ट हुआ, ये तो अच्छा ही हुआ। परंतु इस अहंकार में मैंने जो पाप किया है वो तो नष्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि मेरा पाप क्षमा योग्य नहीं है। पार्थ, तुम किस पाप की बात कर रहे हो? मैं अपनी धनुर्विद्या के अहंकार में प्रभु श्री राम को भी अपने से तुच्छ समझा, क्योंकि त्रिलोक के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। भगवान के अपमान के पाप के बोझ को अपनी आत्मा पर लिए मैं जीना नहीं चाहता। जिस धनुर्विद्या के कारण मुझे यह अहंकार हुआ था, उसी से लगाई हुई अग्नि में अपनी धनुर्विद्या, इस गांडीव और अपने आप को भस्म करने जा रहा हूं। हे अर्जुन, मनुष्य केवल पुण्य या पाप कर सकता है, परंतु पुण्य का फल या पाप का दंड क्या होना चाहिए वो स्वयं इसका निर्णय नहीं ले सकता। अपने पाप का दंड स्वयं अपने आप को देकर तुम अनजाने में ईश्वर की नीति में हस्तक्षेप करने जा रहे थे। पापियों के लिए मैंने नरक बनाई है। मनुष्य को स्वयं अपनी नरक बनाने का अधिकार नहीं है। वासुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
मुझे क्षमा कर दो। मित्र मित्र से क्षमा नहीं मांगा करते, बल्कि मित्र तो वो होता है जो बिन मांगे ही क्षमा प्रदान कर देता है। पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। हे वानर श्रेष्ठ, तुमने मेरे अहंकार को तोड़कर और मेरे पाप की ओर संकेत करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। हे वानर श्रेष्ठ, क्या तुम अपना परिचय नहीं दोगे? पार्थ, जिसे तुम वानर श्रेष्ठ कह रहे हो वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। मेरी ही आज्ञा से हनुमान ने तुम्हारे अहंकार को नष्ट किया है, किंतु हनुमान का उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना नहीं है। हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा कीजिए। अनजाने में मैंने आपका अपमान किया है। अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा कैसी? हे अर्जुन, ये बात सदा याद रखना, जो योद्धा अहंकार को जीत लेता है दूसरे सारे शत्रुओं को परास्त कर सकता है, क्योंकि किसी भी योद्धा का अहंकार से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। जिसने अहंकार को जीता समझू संसार को जीता। वाह हनुमान जी, वाह, आप धन्य हैं, महाज्ञानी हैं, और आज अपने ज्ञान भंडार से ये मोती देकर आप मेरे गुरु बन गए हैं। मैं आपका आभारी हूं। आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे, यही मेरी आंतरिक इच्छा है। पार्थ, मैं ये ज्ञान तुम्हें हनुमान के द्वारा देकर एक योद्धा के सबसे बड़े शत्रु का विनाश करना चाहता था, क्योंकि एक महाभयानक महायुद्ध होने वाला है। धर्म और अधर्म के इस विनाश के विचार से ही बड़े बड़े योद्धाओं का मनोबल टूट सकता है। कुरुक्षेत्र में होने वाला ये महायुद्ध एक ऐसे धर्म इतिहास की रचना करेगा जो मानवता को हर युग में सत्य का मार्ग दर्शाता रहेगा। परंतु इस युद्ध का कारण क्या होगा? इस युद्ध का कारण इस समय बता देना उचित नहीं होगा, परंतु मैं इतना अवश्य बता सकता हूं कि युद्ध भूमि पर केवल तुम ही केंद्र बिंदु बनोगे और इस युद्ध की धुरी भी तुम ही होगे। अर्जुन, ये युद्ध तुम्हें हर अवस्था में जीतना है। अवश्य। दर्शन के लिए तड़प रहा हूं। मेरा रोम रोम अपने स्वामी के दर्शनों की लालसा और प्रतीक्षा में आंखों की पुतलियां बन गया है। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए, अपने भक्त पर कृपा कीजिए। प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? हनुमान, मैं चाहता हूं कि तुम द्वारिका आओ और मेरे राजमहल की वाटिका में ठहरो। तुम महाज्ञानी हो, इसका उद्देश्य तुम स्वयं ही समझ जाओगे। और हाँ, तुम्हारी सबसे बड़ी आकांक्षा भी वही पूरी होगी। सच प्रभु।
उसके मुखमंडल पर भावनाओं का जाल सा दिखाई दे रहा है। आप कुछ व्याकुल दिखाई दे रहे हैं प्रभु। देवी, इस समय मेरा चेहरा वो दर्पण बन गया है जो हनुमान की व्याकुलता को दर्शा रहा है। मेरे मुखमंडल पर हनुमान की भावनाओं की छाया दिखाई दे रही है, वो मेरे दर्शन के लिए बेचैन हो रहा है। इसलिए आपने उन्हें वाटिका में प्रतीक्षा करने के लिए कहा था, इसमें अवश्य ही कोई रहस्य छुपा होगा। भूल गई देवी, मैंने कहा था मुझे हनुमान द्वारा मेरे अपनों का अहंकार तोड़ना है। अच्छा, अब समझी। लगता है कि अब दाऊ भैया की बारी है, वरना आप हनुमान को यहाँ क्यों बुलाते? एक ही मुक्के से दुविध वानर को मारकर दाऊ भैया समझ रहे हैं उनका हाथ जैसे कोई महाभयंकर महाविनाशक दिव्य अस्त्र बन गया है। हनुमान को वाटिका तक पहुंचने तो दो, फिर पता चलेगा कि बलवान क्या होता है और बलवान होने का गुमान क्या होता है। आज्ञा के अनुसार मैं इस वाटिका में तो आ गया, परंतु भूख बहुत लगी है। आपकी आज्ञा हो तो कुछ फल फूल खा लूं। जय श्री राम। वाटिका के भीतर ये आवाज कैसी? चलो चलो देखते हैं। अरे ये वानर यहां कैसे घुसा? ये द्वारिका की राजवाटिका है, चलो जाओ यहां से। अरे भाई, मैं कुछ फल खाने आया हूं, कुछ देर विश्राम करूंगा, मुझे जाने के लिए विवश ना करो। को इसे उठाकर बाहर फेंक दो। ये तो कोई माया भी लगता है। सैनिको इसे मार मार कर बाहर फेंक दो। हाँ, चलो।
वाटिका में घुसकर उसे ध्वस्त कर रहा है? हाँ दाऊ भैया। अरे कैसे प्रहरी हो तुम? एक वानर को नहीं रोक सकते, एक वानर को? यदि वो वाटिका में घुसकर कुछ उथल पुथल कर रहा है तो उसे पकड़कर द्वारिका के बाहर छोड़ आते। वो वानर बड़ा ही बलवान है। चुप रहो, लज्जा नहीं आती तुम लोगों को? एक वानर को बलवान कहते हो? अरे तुम यादव हो, यादव स्वयं दूध मलाई मक्खन उड़ाते हो और एक वानर को बलवान कहते हो? एक साधारण वानर यादवों को परास्त कर रहा है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, हंसेंगे लोग। द्वारिका के प्रतिहारियों ने उसे पकड़ने की बहुत ही चेष्टा की, मगर वो किसी के हाथ नहीं आता। उसने ऐसी उथल पुथल। चुप रहो। लगता है ये वानर द्विध वानर की मृत्यु का बदला लेने के लिए यहां आया है। यदि ऐसा है तो द्विध की ही भांति मेरी मुष्टि के एक ही प्रहार से वो भी नष्ट हो जाएगा। वो वानर भाग गया। अच्छा हुआ, वरना मेरे हाथ जरूर मारा जाता। सुन रहा हूं और देख भी रहा हूं, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं भोजन कर रहा हूं। तुम में इतना शिष्टाचार भी नहीं है कि जब कोई भोजन कर रहा हो तो उसे चैन से खाना खाने देना चाहिए। वानर, भूख लगी है क्या? भूखे प्राणी को अधिक क्रोध आता है। यदि ऐसी बात है तो लो, तुम भी खा लो। मैं यहां भोजन करने नहीं, तुम्हें यहां से चले जाने का आदेश देने आया हूं। इस वाटिका की तुमने जो दशा की है उसके लिए मैं तुम्हें अवश्य दंड देता, परंतु तुम वृद्ध हो इसलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं। जाओ, चले जाओ यहां से। मुझे आदेश देने वाले मनुष्य तुम कौन हो? मैं बलराम हूं, बलराम। बलराम? हाँ। कौन बलराम? इस त्रिलोक में केवल एक ही राम है, मेरे प्रभु श्री राम। ये बलराम कहां से आ गया? तुम केवल नाम के बलराम हो। देखो कितना ताव खा रहे हो,
बलवान पुरुष न इतना ताव खाता है न इतना क्रोध करता है। ये सब तो बलहीन होने के चिन्ह हैं। बलहीन? यदि मैंने अपने बल का प्रयोग तुम पर किया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा वृद्ध वानर। अच्छा, मुझे क्रोध मत दिलाओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ। यदि मैंने अपनी मुष्टि का एक ही प्रहार तुम पर किया तो सीधा धरती में धंसकर पाताल में पहुंच जाओगे। राम राम राम। लगता है आजकल ये रोग सभी को लग गया है, महामारी की भांति फैल गया है। जिसको देखो वो इसी रोग से पीड़ित है। तुम अपने आप को बलराम कह रहे हो परंतु मुझे तो तुम भी इसी रोग के रोगी लग रहे हो। रोगी? और मैं? किस रोग की बात कर रहे हो तुम? वही अहंकार का रोग। चींटी के पर निकल आते हैं तो वो समझती है कि पूरे वायुमंडल पर उसी का राज हो गया है। हे वृद्ध वानर, तुम मेरा उपहास कर रहे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, उठाओ अपनी गदा। श्री राम। ऐसा महाकाय वानर मेरे मुष्टि के एक ही प्रहार से सीधा परलोक सिधार गया था और तुम मेरे हर प्रहार को रोक भी रहे हो और सह भी रहे हो। तुम कोई साधारण वानर नहीं हो सकते। बताओ कौन हो तुम और इस वाटिका में किस लिए आए हो? अवश्य ही यहां आने का तुम्हारा कोई विशेष उद्देश्य होगा, बताओ। हे बलराम, आप जैसा समझ रहे हैं मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं तो केवल अपने प्रभु का एक तुच्छ सा भक्त हूं और अपने स्वामी की आज्ञा से यहां आया हूं। भक्त और स्वामी की आज्ञा से यहां आए हो? हां। कौन है तुम्हारा स्वामी? देखो, तुम्हारी ये रहस्यमयी बातें मेरे लिए केवल शब्दों के चक्रव्यूह समान है। स्पष्ट रूप से अपना परिचय दो, मुझे क्रोध मत दिलाओ वरना मैं अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग करूंगा। मैं अपना हल निकालूंगा और तुम नष्ट हो जाओगे। नहीं नहीं, लगता है तुम यूं नहीं मानोगे, मुझे अपना हल निकालना ही होगा। बचाइए प्रभु, बचाइए, जल्दी कीजिए। मैं तो आपकी आज्ञा से ये लीला कर रहा था। शेषनाग जी को क्रोध आ रहा है, इनके क्रोध और शक्ति के आगे मेरी क्या हस्ती है। ये तो तीनों लोक नष्ट कर सकते हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। रुक जाओ दाऊ भैया। कन्हैया, तुम अचानक ही यहां? हां दाऊ भैया। तुमने मुझे क्यों रोका कन्हैया? मैं इस वानर को दंड देने जा रहा था। ये कोई साधारण वानर नहीं कन्हैया, ये बहुत बड़ा मायावी है। मुझे तो लगता है ये जरूर कोई असुर है। वाह दाऊ भैया, खूब पहचाना आपने।
ये आपको वानर दिखाई देता है? वानर? अरे कन्हैया, मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी परंतु इसे कुछ नहीं हुआ। यदि ये कोई साधारण जीव होता तो मेरे प्रहार से सीधे पाताल में धस जाता। अब मैं अपने हल का आवाहन करने जा रहा था कन्हैया। दाऊ भैया, जिसे आप मायावी असुर समझ रहे हैं वो कोई और नहीं, पवन पुत्र हनुमान है। क्या, पवन पुत्र हनुमान? प्रणाम बलराम जी। सत्कन्हैया, ये पवन पुत्र हनुमान है? हाँ दाऊ भैया। प्रणाम हनुमान जी। प्रणाम बलराम जी। तभी तो मैं सोच रहा था मेरे प्रहार को सहने और रोकने वाला कोई साधारण कपि नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई महान व्यक्ति होगा। बलराम जी, ये कहकर क्यों मुझे लज्जित कर रहे? अरे आप तो शेषनाग का अवतार है जिस पर तीनों लोक टिके हैं। यदि आप जरा जोर से भी सांस लें तो तीनों लोक डोल जाते हैं। आपकी शक्ति के आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आपका एक वार सहन करने की भी शक्ति नहीं है मुझमें। वो तो मैं श्री राम का नाम ले लेकर प्रहार को रोक रहा था। यह मेरे प्रभु श्री राम की ही शक्ति थी जो आपके हर प्रहार से मेरी रक्षा कर रही थी। परंतु आप मुझसे उलझ क्यों रहे थे? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो सेवक धर्म निभा रहा था। जैसा स्वामी ने कहा वैसा ही मैंने किया। ओ तो कन्हैया, यह सब तुम्हारी आज्ञा से हो रहा था, परंतु क्यों? दाऊ भैया, जब आप पौंड्रक से अकेले युद्ध करने जा रहे थे तभी से मैं आपके व्यवहार के प्रति चिंतित था, और जब आपने महाकाय द्विविध वानर को अपनी मुष्टि के एक ही प्रहार से परलोक सिधारा था, मैं देख रहा था कि मेरी माया ने आपके मन पर पर्दा डालकर आपको मोहित कर दिया था, और माया आपके हृदय में अहंकार के बीज बो रही थी। दाऊ भैया, आप हमारे भ्राता श्री हैं, इसलिए मैं माया के इस जाल से आपको निकालना चाहता था। मैं समझ रहा हूं कन्हैया, हनुमान जी से युद्ध करते हुए ही मुझे इस माया के भ्रम का आभास हो गया था, परंतु कन्हैया इसके लिए स्वयं हनुमान जी को कष्ट उठाना पड़ा, यह ठीक नहीं हुआ। बलराम जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे अपने स्वामी की सेवा करने का अवसर मिल गया परंतु अपने आप पर अत्याचार करते हुए मुझे घमंडी और अहंकारी होने का नाटक करना पड़ा। यदि उस समय अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो, आपका अपमान हुआ हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, ये क्या कह रहे हैं आप? क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। अनजाने में न जाने मैंने आपको क्या क्या कहा, इस अपमान के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। भक्तों को मान अपमान की चिंता कहां होती है, और फिर दास से क्षमा नहीं मांगी जाती। मैं तो आप तीनों का दास हूं, यह मेरा सौभाग्य है कि त्रेता युग के बाद आज मैं पहली बार आप तीनों को एक साथ अपने सामने देख रहा हूं। स्वामी, मुझे पता है आपने अपना वचन और मेरी अभिलाषा पूरी करने के लिए ही मुझे द्वारका में बुलाया है। प्रभु, इस समय आप तीनों यहां हैं, मेरी विनती है कि आप तीनों मुझे त्रेता युग के अपने अवतारी रूप में दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। अपने स्वामी श्री राम, अपनी माता सीता और लक्ष्मण तीनों के एक साथ फिर से दर्शन कर लूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं धन्य हो जाऊंगा प्रभु, धन्य हो जाऊंगा।
मुझे उसी रूप में दर्शन दीजिए। आज मुझे निराश मत कीजिए, बहुत प्रतीक्षा करवाई है आपने। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। लक्ष्मी रूप रुक्मिणी सीता